नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो अपराध की कहानी है वो है मंदसौर, मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। कमलेश जैन वरिष्ठ पत्रकार थे जो पिछले 24 सालों से इस काम में लगे थे, इसलिए पिपलिया मंडी क्षेत्र में ही नहीं मंदसौर जिले में भी उनकी अच्छी पहचान थी। दैनिक अखबारों के पत्रकार दिन भर समाचार जुटाकर शाम को समाचार तैयार करके अपने अखबार के लिए भेजते हैं। कमलेश और उनके चार सहयोगी अवतार भी जुटाए समाचारों को अंतिम रूप देने में लगे थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल उनके ऑफिस के ठीक सामने आकर रुकी, जिस पर दो युवक सवार थे। उनमें से एक तो मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा, जबकि पीछे बैठा युवक उतरकर कमलेश के ऑफिस में घुस गया। अवतार को लगा कि किसी समाचार के सिलसिले में आया होगा, क्योंकि ऑफिस में अक्सर लोग समाचारों के सिलसिले में आते रहते हैं, इसलिए अवतार ने भी उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में लगे रहे, लेकिन जब एक के बाद एक दो गोलियों की चलने की आवाज कमलेश जैन के चैम्बर से आई तो वो सन्न रह गए। वो कमलेश के चैम्बर में पहुंचते उसके पहले ही वो युवक तेजी से बाहर निकला और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने साथी के साथ भाग गया। इसके बाद कमलेश की हालत देखकर उन्होंने शोर मचा दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने फोन करके ये जानकारी पुलिस को दे दी तो थाना पिपलिया मंडी के टीआई अनिल सिंह तत्काल दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने कमलेश को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें मंदसौर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया था। उनकी मौत की खबर सुनकर तमाम पत्रकार और उनके शुभचिंतक अस्पताल पहुंच गए। सभी हैरान थे कि एक पत्रकार की हत्या क्यों कर दी गई। कमलेश के घर वालों ने उनकी हत्या के मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई। कमलेश जैन की हत्या से कस्बे और पुलिस महकमे में हलचल मची हुई थी। अगले दिन पत्रकार कमलेश की शव यात्रा के समय जिले भर के पत्रकार, राजनीतिक दलों के नेताओं ने हत्याकांड की निंदा करते हुए हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मामला एक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या का था। पत्रकारों, राजनीतिज्ञों के अलावा तमाम सामाजिक संगठनों का भी पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था, लिहाजा पुलिस नामजद अभियुक्तों की तलाश में जुट गई। पुलिस को अभियुक्तों के राजस्थान के एक गांव में होने की जानकारी मिली तो पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना हो गई। इस टीम ने वहां एक गांव से 5 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया। हत्या से कुछ दिनों पहले इन लोगों से कमलेश का विवाद हुआ था, इसलिए पुलिस को उम्मीद थी कि इनकी गिरफ्तारी से मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन पुलिस पूछताछ में जब साफ हो गया कि घटना वाले दिन वे पिपलिया मंडी में नहीं थे तो पुलिस थोड़ा निराश हुई। पुलिस ने तरीके से नामजद लोगों के बारे में जानकारी निकलवाई, इससे साफ हो गया कि इन लोगों का कमलेश से विवाद जरूर था, लेकिन हत्याकांड में इनका कोई हाथ नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से मामले की जांच शुरू की। 35 दिन बाद भी कमलेश जैन के हत्यारों का पता न लगने से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ रहा था। पत्रकार और सामाजिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच मंदसौर के पुलिस अधीक्षक ओपी त्रिपाठी दंगा कांड में निलंबित हो चुके थे। उसी मामले में पिपलिया मंडी के टीआई अनिल सिंह को भी पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया था। दरअसल मध्य प्रदेश के किसानों ने प्याज का मूल्य बढ़ाने को लेकर पूरे सूबे में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया था। मंदसौर में प्रदर्शन के समय पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके बाद किसान उग्र हो गए थे और वहां दंगा भड़क उठा था। इसके बाद प्रशासन को मंदसौर में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। इसी मामले में एसपी ओपी त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया था। ओपी त्रिपाठी के निलंबित होने के बाद मनोज कुमार सिंह को मंदसौर का नया एसपी बनाया गया, तो कमलेश सिंगार को थाना पिपलिया मंडी का थाना प्रभारी बना दिया गया। नए एसपी ने कमलेश जैन की हत्या वाले मामले को एक चुनौती के रूप में लेकर सीएसपी राकेश शुक्ला तथा थाना प्रभारी कमलेश सिंगार के साथ मीटिंग कर कमलेश जैन के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल टीआई कमलेश सिंगार सुलझे हुए पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए उन्होंने जांच की शुरुआत मृतक कमलेश जैन के व्यवसाय से की। जांच में उन्हें पता चला कि लगभग 2 दशक से पत्रकारिता से जुड़े कमलेश जैन का इलाके में कई लोगों से विवाद चल रहा था।
कमलेश के ऑफिस के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखी गई तो पता चला कि हत्यारे कुछ ही सेकंड में कमलेश की हत्या कर मोटरसाइकिल से खत्याखेड़ी की ओर भाग गए थे। पहले पुलिस का ध्यान सीसीटीवी फुटेज की तरफ नहीं गया था। इस फुटेज से पता चला था कि हत्यारों की मोटरसाइकिल शाम 7:54 पर कमलेश के ऑफिस के सामने आकर रुकी थी। उसके बाद उनमें से एक आदमी उतरकर कमलेश के ऑफिस में गया और कुछ ही समय में उन्हें गोलियां मारकर बाहर आया और मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। इस काम में उसे केवल 12 सेकंड लगे थे। इससे पुलिस को लगा कि हत्यारा काफी शातिर था। पुलिस यह भी अंदाजा लगा रही थी कि हत्यारे सुपारी किलर भी हो सकते हैं। कमलेश अपराधियों के खिलाफ भी लिखते थे, कहीं उन्हें अपने किसी समाचार या लेख की वजह से तो जान से हाथ नहीं धोना पड़ा था। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने पिछले 6 महीने में कमलेश की अखबारों में छपी खबरों का अध्ययन किया। इसके अलावा कमलेश से रंजिश रखने वालों के बारे में पता किया, पर सफलता नहीं मिली। जब किसी भी तरह अपराधियों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो TI कमलेश सिंगार ने अपनी टीम को कमलेश के निजी जीवन के बारे में पता लगाने को कहा, क्योंकि कमलेश 47 साल के होने के बावजूद भी अविवाहित थे। पुलिस को पता चला कि जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उसके 2 दिन बाद यानी 2 जून 2017 को वो शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की विधवा बहू संध्या से शादी करने वाले थे। पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया तो पता चला कि उनके कई महिलाओं से संबंध थे। संध्या सहित करीब 10 महिलाओं से उनकी देर रात तक मोबाइल पर बातें होती रहती थी। थाना प्रभारी ने इन महिलाओं के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि जिन महिलाओं से उनकी बातचीत होती थी उनका संबंध मीडिया से बिल्कुल नहीं था। ये भी पता चला कि इन महिलाओं से कमलेश के काफी करीबी संबंध थे, जिनमें से प्रीति और कमलेश के संबंधों की जानकारी आसपास के लोगों के अलावा उसके पति को भी थी, लेकिन कमलेश की पहुंच के आगे वो चुप था। थाना प्रभारी ने कमलेश की अन्य प्रेमिकाओं से पूछताछ की तो पता चला कि कमलेश और संध्या शादी करना चाहते थे। इस बात को लेकर संध्या की ससुराल वाले खुश नहीं थे। संध्या की ससुराल वालों को ये बात प्रीति ने ही बताई थी, क्योंकि प्रीति को शक था कि कमलेश की संध्या से नजदीकी की वजह से वो उससे दूर हो रहा था। कमलेश सिंगार ने संध्या और उसकी ससुराल वालों के फोन नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाकर जांच की तो पता चला कि कमलेश की हत्या से पहले और बाद में संध्या के जेठ सुधीर की अपने दोस्त धीरज अग्रवाल से कई बार बात हुई थी। सुधीर के बारे में पुलिस को पहले से ही पता था कि पिपलिया मंडी के कई नामी अवैध धंधेबाजों तथा अफीम तस्करों से उनके संबंध है। कमलेश सिंगार ने सुधीर जैन के बाद धीरज अग्रवाल के फोन नंबर की भी कॉल डिटेल निकलवाई, जिसमें पता चला कि जब जब सुधीर और धीरज के बीच में बात होती थी उसके बाद धीरज अग्रवाल प्रतापगढ़ राजस्थान जेल में बंद पिपलिया मंडी के कुख्यात बदमाश आजम लाला से बात करता था। घटना वाले दिन भी उसने आजम लाला के बेटे रज्जाक से बात की थी। संदेह वाली बात यह थी कि घटना वाले दिन कमलेश की हत्या के समय रज्जाक की लोकेशन पिपलिया मंडी की थी। आजम लाला के बेटे रज्जाक के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। इससे कमलेश सिंगार को लगा कि कमलेश की हत्या के मामले में सुधीर जैन, धीरज अग्रवाल, आजम लाला और उसका बेटा एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं, लेकिन नामी गिरामी करोड़पति व्यापारी पर हाथ डालना उनके लिए आसान नहीं था। कमलेश सिंगार SP मंसूर मनोज सिंह के निर्देश पर आजम लाला के बेटे रज्जाक को पूछताछ के लिए थाने ले आए। उससे की गई पूछताछ में सारी घटना सामने आ गई। पता चला कि कमलेश और संध्या के संबंधों से नाराज संध्या के जेठ सुधीर जैन ने अपने दोस्त धीरज अग्रवाल के माध्यम से आजम लाला और मंसूर जेल में बंद गोपाल सन्यासी को कमलेश की हत्या की 5 लाख की सुपारी दी थी। पूरा सच सामने आ गया तो छापा मारकर संध्या के जेठ सुधीर जैन और उसके दोस्त धीरज अग्रवाल तथा हत्या का षड्यंत्र रचने वाले धर्मेंद्र मारू को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि हत्या वाले दिन रज्जाक के साथ कमलेश की हत्या के लिए मोटरसाइकिल पर आया रज्जाक का चचेरा भाई सुलेमान लाला पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और मोटरबाइक बरामद कर ली गई। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में इश्क की नदी में तैरने वाले कमलेश जैन की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। कमलेश जैन कस्बा पिपलिया मंडी में पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखते थे। गैर कानूनी काम करने वालों से अक्सर कमलेश जैन का विवाद होता रहता था, लेकिन उनकी एक कमजोरी हुस्न थी जिसके कारण कई महिलाओं से उनके संबंध बन गए थे। कमलेश की सबसे चर्चित प्रेमिका प्रीति थी। प्रीति के ऊपर वो दिल खोलकर पैसे खर्च करते थे।
प्रीति के पति को भी पता था कि उसकी पत्नी के संबंध कमलेश से है, लेकिन कमलेश के रुतबे की वजह से वो चुप रहता था। प्रीति भी कमलेश की दीवानी थी, वो कमलेश पर अपना अधिकार समझने लगी थी। लेकिन कुछ महीनों से संध्या प्रीति के इस अधिकार के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। मंदसौर निवासी संध्या की शादी पिपलिया मंडी के रईस व्यवसायी के छोटे भाई नवीन के साथ हुई थी। सुधीर जैन करीब 1 अरब की संपत्ति के मालिक थे। इन संपत्तियों में उनके 3 भाइयों का हिस्सा था। सुधीर जैन ने यह संपत्ति गोपाल सन्यासी तथा आजम लाला की मेहरबानी से बनाई थी। सुधीर के छोटे भाई नवीन की अचानक मौत हो गई तो संध्या विधवा हो गई थी। देखा जाए तो 1/3 संपत्ति संध्या की थी, लेकिन भाई की मौत के बाद सुधीर के मन में लालच आ गया था। उसने संध्या को थोड़ी बहुत संपत्ति देकर अलग कर दिया था। काफी कहने के बाद भी जब संध्या को प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं मिला तो वो अपने मायके में जाकर रहने लगी। वो जानती थी कि उसके जेठ सुधीर जैन ने उसके साथ धोखा किया है। वो अपने हिस्से की जायदाद लेना चाहती थी। ससुराल में रहते हुए उसने सुना था कि कमलेश जैन एक ईमानदार पत्रकार है और वो सच्चाई का साथ देता है, इसलिए वो अपनी संपत्ति के मामले में मदद के लिए पत्रकार कमलेश जैन के पास पहुंची। काफी खूबसूरत और जवान संध्या कमलेश की जाति बिरादरी की भी थी। उसे पता चला कि कमलेश की अभी शादी नहीं हुई है तो उसका दिल उस पर आ गया। संध्या की खूबसूरती पर कमलेश भी मर मिटा था। कमलेश ने सोचा कि अगर संध्या से उसकी शादी हो जाती है तो उसके हिस्से की करोड़ों की संपत्ति का वो मालिक बन जाएगा, इसलिए वो संध्या की मदद करने लगा। लगातार मिलने से संध्या और कमलेश के बीच प्रेम संबंध बन गए। उनके संबंध इस मुकाम पर पहुंच गए कि उन्होंने शादी करने का निर्णय कर लिया था। जीवन में संध्या के आने के बाद कमलेश ने पुरानी प्रेमिका प्रीति से नाता तोड़ लिया था, जबकि प्रीति कमलेश को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि प्रीति का ज्यादातर खर्चा कमलेश ही उठाता था। यही वजह थी कि प्रीति संध्या से चिड़ी रहती थी। जब प्रीति को पता चला कि कमलेश जैन संध्या से 3 जून 2017 को शादी करने जा रहे हैं, तो प्रीति ने कमलेश और संध्या के संबंधों की शिकायत संध्या के जेठ सुधीर जैन से कर दी। इससे प्रीति को लगा कि संध्या पर अंकुश लगाया जाए। सुधीर को जब संध्या और कमलेश के संबंधों का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि अगर संध्या ने कमलेश से शादी कर ली तो कमलेश का सहारा पाकर वो अपने हिस्से की सारी जायदाद लेकर ही मानेगी। कमलेश जैन के रहते सुधीर संध्या पर दबाव नहीं बना सकता था, जिससे सुधीर जैन को करोड़ों की जायदाद हाथ से जाती दिखाई देने लगी। सुधीर की ये परेशानी उसके दोस्त धीरज अग्रवाल से छिपी नहीं थी, इसलिए उसने उसे सलाह दी कि इस तरह चुप बैठने से काम नहीं बनने वाला है, हमें कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी। सुधीर जैन की तरह धीरज अग्रवाल भी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमा रहा था। सुधीर की ही तरह उसके भी कई कुख्यात बदमाशों से संबंध थे। धीरज की बात सुधीर की समझ में आ गई। उसने कमलेश को रास्ते से हटाने के लिए धीरज से मदद मांगी। धीरज इसके लिए तैयार भी हो गया। प्रतापगढ़ जेल में बंद आजम लाला तथा मंदसौर जेल में बंद गोपाल सन्यासी से धीरज के अच्छे संबंध थे। धीरज दोनों से जेल जाकर मिला। उन्होंने कमलेश की हत्या के लिए 50 लाख रुपए मांगे। बात तय हो गई। इसके बाद सुधीर जैन से 5 लाख रुपए ले जाकर अखबेरपुर में आजम लाला के बेटे रज्जाक को दे दिए। बाकी के रुपए कमलेश की हत्या के बाद दिए जाने थे। 5 लाख रुपए हाथ में आते ही आजम लाला ने प्यादे तलाशने शुरू कर दिए, परंतु मंदसौर जिले में अधिकांश अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसा था। कई तो जेल में बंद थे तथा कई भूमिगत हो चुके थे, इसलिए आजम को सूटर मिलने में परेशानी हो रही थी। दूसरी ओर प्रीति ने सुधीर को बता दिया था कि संध्या और कमलेश 3 जून को शादी करने वाले हैं, इसलिए सुधीर हर हाल में 3 जून से पहले कमलेश की हत्या करवा देना चाहता था। धीरज अग्रवाल ने यह बात आजम को बताई तो आजम ने कमलेश की हत्या का काम अपने बेटे रज्जाक को सौंप दिया। रज्जाक छोटी उम्र से ही अपने बाप के कदमों पर चल पड़ा था। वो तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका था, इसलिए वो हिस्ट्री सीटर बन गया था। पिता का आदेश मिलते ही उसने कमलेश की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। इसके लिए उसने चौपाटी बस्ती निवासी धर्मेंद्र दारू को फर्जी सिम देकर कमलेश पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। धर्मेंद्र ने रज्जाक को कमलेश के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कमलेश सुबह से शाम तक समाचार के लिए इधर उधर भटकने के बाद शाम 7 बजे तक लवली चौराहे पर स्थित अपने ऑफिस पर आ जाता है। रज्जाक ने अपने काम के लिए यही समय तय किया। कमलेश की हत्या की योजना बनाकर रज्जाक अपने चचेरे भाई सुलेमान उर्फ सत्तू लाला के साथ मोटरसाइकिल से पिपलिया मंडी पहुंच गया। घटना के समय सुलेमान मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर खड़ा था।
जबकि रज्जाक ने कमलेश के चैम्बर में जाकर उसे गोली मार दी थी। अपने काम को अंजाम देकर वो सुलेमान के साथ वहां से भाग गया था। इस तरह प्यार और प्रॉपर्टी के चक्कर में पत्रकार कमलेश जैन मारा गया। इस ब्लाइंड केस का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम की एसपी मनोज सिंह ने काफी सराहना की थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।